33 एकड़ के एक बांध की जमकर चर्चा हो रही है, और चर्चा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने टीएस सिंहदेव पर 33 एकड़ के बांध को कब्जा करके बेचने का आरोप लगाया है। पूरा मामला समझिए। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होती जा रही है। अंबिकापुर के बीचों बीच 33 एकड़ की बेशकीमती जमीन पिछले कुछ सालों से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस जमीन के मालिक होने का दावा कर सरगुजा रियासत के सदस्य और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने जमीन को बेच दिया, जिसके चलते इस पर राजनीति शुरू हो गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने सिंहदेव पर आरोप लगाया कि 33 एकड़ की जमीन सरकारी निस्तारी की जमीन थी, जिसे नेता प्रतिपक्ष ने गलत तरीके से अपने नाम करा कर बेच दिया। जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए और डॉक्टर रमन सिंह जी से अच्छी दोस्ती हो गई, तब इन्होंने उसको बेचना-उचना चालू किया, तब लोगों को पता चला। अजीत जोगी ने जमीन के सरकारी होने का दस्तावेज होने का दावा किया है, तो जमीन पर मालिकाना हक जताने वाले टीएस सिंहदेव ने इसे आजादी के बाद तात्कालिक भारत से शासन से मिली जमीन बताया। राजाओं के साथ जब संधि की गई थी, उस संधि में तत्कालीन भारत शासन ने इसको 36 सरगुजा के महाराजा की निजी संपत्ति करार करके दिया था। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। ये 1 जनवरी 1948 में सरगुजा रियासत का विलीनीकरण हुआ था। मेरा जन्म 31 अक्टूबर 1952 का है। तो जोगी जी को ये सब नहीं मालूम है और वो छत्तीसगढ़ में काम चलाने की बात, बागडोर संभालने की बात पुनः कर रहे हैं। जमीन का मामला सबसे पहले जूनियर जोगी यानी अमित जोगी ने उठाया था, लेकिन अब चुनाव है तो शायद एक बार सीनियर जोगी इस मामले को एक बार फिर ढूंढ रहे हैं। बहरहाल जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अमितेश पांडे, न्यूज 18, अंबिकापुर।